हेलो एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज के दिन में तुम्हारा स्वागत है भाई साहब। आज ट्यूसडे का दिन है और आज वो दिन है जिस दिन मैं नॉनवेज नहीं खा सकता, इसलिए अभी मैं कुछ खा भी नहीं रहा हूं। वो रीजन नहीं है, रीजन ये है कि अभी टाइम नहीं है बिल्कुल भी कुछ खाने का, इसलिए फटाफट से कॉफी पी के मैं निकल रहा हूं क्योंकि मैं जा रहा हूं दूसरे शहर, क्योंकि मैं जा रहा हूं शॉपिंग करने की इंडियन ग्रोसरी स्टोर से, क्योंकि वहां बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर है। यार बारिश आ रही है और तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैंने ये ऐसी वाली जैकेट पहनी है जिसको बारिश से कोई खास असर नहीं होगा, पर मुझे तो हो गई होगा। मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ लोकेशन तक, अब बस मुझे ये फिगर आउट करना है कि बस आनी कहाँ पे है वो वाली जो मुझे लेके जाएगी सीधा सैन होज़े। मैं तो काफी जल्दी पहुंच गया हूँ भाई, अभी 10:45 हो रहे हैं, 11:15 बजे आएगी बस। आधा घंटा मुझे खड़े रहना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ बैठने का भी नहीं है। ये एकदम कंफर्टेबल बस है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं आराम से 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा वहां से, वो उठा लेगी मुझे गाड़ी से। ऑलराइट गाइस, मैं तो काफी कंफर्टेबली 1 घंटे के अंदर अंदर बहुत दूर आ चुका हूँ। अब मुझे अदिति का इंतजार करना है, देखते हैं कब आती है वो लेने के लिए। अदिति को आने में 8 मिनट और लगेंगे ऐसा वो कह रही है, तो 10-12 मिनट पकड़ के चलते हैं हम, देखते हैं कब तक आती है वो। मैं सैन होज़े के डाउनटाउन में हूँ ना, सैन फ्रांसिस्को अलग शहर, सैन होज़े अलग शहर, अलग शहर के डाउनटाउन में हूँ इस टाइम पे। हयात है, इसके बाहर बैठ गया हूँ मैं, यहाँ पे बेंच लगाई हुई है इन्होंने। यहाँ पे पता है सारे जैसे ये हयात भी है ना, ये तो फिर भी सही बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ हयात होगा तो बहुत बढ़िया होगा, रमाडा होगा बहुत बढ़िया होगा, हिल्टन होगा बहुत बढ़िया होगा, ऐसा 5-स्टार होटल होंगे ना जो बहुत बढ़िया होंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे अगर रमाडा है तो 5-स्टार वाली कैटेगरी का भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही टुच्चा सा भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसा सीन होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो एकदम बढ़िया ही हो, जैसे हमारे यहाँ तो वो एक ही कैटेगरी में रहेगा, यहाँ ऐसा नहीं होता। ये बात मैंने यहाँ पे आके देखी है। अरे खोल तो सही से, ये बाहर तो नहीं कूदेगा? अरे मैं कहाँ बैठू? अरे भाई ट्रक को देखिए क्या कर रहा है, तूने ट्रक का क्या लेना है? मेरे पीछे खड़ा है भाई, वो ट्रक पूरा रास्ता रोक के, नहीं हट ही नहीं रहा है, जाना ही नहीं चाह रहा। तू बैठ जा, चल मैं ऐसे बैठ जाता हूँ और क्या। तूने क्या करना है उसका, तू गाड़ी चलाना। सारे अवशेष मेरी जीन्स पे आ चुके हैं, बट कोई बात नहीं, फिलहाल हम ढूंढ रहे हैं खाने के लिए क्या करना चाहिए। खैर छोले भटूरे खाने चलते हैं, इसको पता ही नहीं है छोले भटूरे कहाँ मिलेंगे, मुझे भी नहीं पता छोले भटूरे कहाँ मिलेंगे, फिलहाल हमें नहीं पता कि क्या खाना है, लेकिन कुछ तो खाना ही चाहिए ना। मैंने कुछ खाया नहीं है, मैंने सिर्फ कॉफी पी थी ना। फाइनली हम एक जगह पे पहुंच ही गए हैं भाई साहब, क्या मैं छोले भटूरे लूं, क्या मैं मंचूरियन लूं, क्या मैं कोई पनीर टिक्का मसाला बोल थाली ले लूं, बोल ले लूं, कुछ भी ले सकता हूं, काफी ऑप्शन है यहाँ। वो भाई साहब मेरे छोले भटूरे आज कमाल कर दिया मेरे छोले भटूरे ने, और इसने कोई बोल मंगाया, इसमें बटर चिकन है, इसके भी छोले सेम ही है, अबे फोकस क्यों नहीं हो रहा। चना मसाला होना था यार। हाँ तेरे भी सेम ही आए गए, और येलो कलर के चावल है तेरे, सही है, चिकन भी अच्छा है। ये होता ही नहीं है इसका, देखो ऑब्वियसली वो बात तो नहीं है, पर बढ़िया है। मस्त छोले भटूरे खा के अब निकल गए, अब पता नहीं क्या करना है। मैं यहाँ पे 8 बजे तक हूँ, चलो 7:30 तक तो मान ही सकते, क्योंकि उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा, फिलहाल 2 बज रहे हैं, तो इंडियन ग्रोसरी स्टोर जाना है जो मेन काम से मैं आया, मेन काम तो देखो छोड़ा नहीं जा सकता, पर बाकी टाइम नहीं पता क्या करना है। वैसे आदित्य इतनी बोरिंग है, चाहता भी नहीं कि ज्यादा देर ऐसे ही है मेरा थोड़ा, मैं हैपनिंग हूँ ना, मैं वो हूँ, मैं वो ग्लू हूँ ना जो सबकी सोशल लाइफ इंटैक्ट रखता है, कि जैसे मैं ना हूँ तो सारे फ्रेंड ग्रुप्स बिगड़ जाए, ऐसे ईश आता है ना मेरा पूरा फ्रेंड ग्रुप बिगड़ जाता है। नहीं नहीं मैं वो हूँ जो सबको एक ग्लू की तरह स्टिक टुगेदर रखता है, बिल्कुल वैसी एकदम पर्सनैलिटी वाइब है, तुम्हें तो पता ही है, तुम खुद बताओ कौन सच बोल रहा होगा कौन झूठ बोल रहा होगा। मैंने झूठ बोला? हाँ वही तो, यहाँ पे भी रेनबो है, ये देखो, ओ गाइस देखो रेनबो, अबे यार ये फोकस उधर नहीं कर रहा, वो क्या होता है, आर्केड नहीं जाऊंगा यार मैं छोटे बच्चों वाले गेम खेलने, मैं बड़ा हो गया हूँ बदती, मैं नहीं चलाता वो गाड़ियाँ वाड़ियाँ, वीआर स्टूडियो ढूंढने, नहीं अरे वीआर में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं या तो कोई फिजिकल एक्टिविटी वाला हो ना, जैसे तू तो टेनिस खेलते हैं वो सब कर लूंगा, मुझे छूट मूट गेम खेलने में इतना मत... यार हाइकिंग नहीं जा रहा मैं, हाइकिंग बोरिंग होती है, उसमें कुछ होता तो है नहीं, बारिश हो रही है, टेनिस कैसे खेलेंगे, और टेनिस में सिर्फ तुझे मजा आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्यों तुझे खेलना नहीं आता क्योंकि, अरे तो मैं सीख जाऊंगा ना, ऐसी क्या बात है, ये टेनिस में वो नीचे नीचे रखनी पड़ती है ना, उसमें समझ नहीं आता, क्रिकेट की आदत है मुझे, तो पहले एक काम करते हैं, पहले कोई शूज वाली जगह चलते हैं, शूज देखता हूँ मैं कैसे मिल रहे हैं यहाँ पे, क्यों मतलब वो प्रोजेक्टर था। यहाँ पे भी भीड़ है वैसे आज तो, उस हिसाब से काफी लोग है, ट्यूजडे का दिन है भाई साहब, बहुत लोग है, मुझे बहुत शौक है सामान खरीदने का, मुझे शॉपिंग करने में बहुत ही मजा आता है, मैं जूते देख रहा हूँ अपने लिए, कोई बढ़िया जूते मिले अगर मुझे, चोर कौन चोर लगता है तेरे को, ये $70 ये ले रहा हूँ मैं एक तो, अच्छा ये भी खुद, भैया कहाँ है भाई, भैया तो बताओ, हाँ तो US 10 आएगा मुझे, हाँ देख क्या बात, क्या बढ़िया जैकेट है, अल्ट्रा बूस्ट तो सही होते हैं उस हिसाब से, चलो एक ऑप्शन में आ गया, ये सही लग रहा है मुझे अपना, इतने सस्ते क्यों है, अरे ये 220 का है वैसे, 80 में मिल रहा है, ये 190 का है, 80 में मिल रहा है, कभी नहीं देखा कि US में 220
आज मैं दो जूते ले रहा हूँ गाइस। कार्टून लग रहा है तू अभी, तेरे कलर स्कीम से। मैं देख कितना बढ़िया लगूंगा ये पहन लिए तो मैंने। ये कैसे लग रहे हैं? ये नहीं अच्छे लग रहे। ओ ये तो छोटे बच्चों जैसे जूते लग रहे। ये नहीं अच्छे, नहीं थोड़े मैच्योर जूते चाहिए। अरे ये तो एक्स्ट्रा में ले सकता हूँ, $40 का जूता है। प्यूमा में देख लेते हैं कि क्या सिस्टम है यहाँ पे। ये चलेगी मेरी ना इस जैकेट के साथ जो मैंने पहनी है अभी, एकदम परफेक्ट। फरारी एकदम चलता फिरता शो ऑफ लगता है भाई। मैं शो ऑफ ही हूँ, मेरे को बहुत पसंद है शो ऑफ करना, ऐसा ही है मेरा। ये वाला जूता ऑनलाइन $90-100 का आ रहा था अभी, कुछ शू पैलेस नाम की जगह। ये $40 लिखा है इसमें, कुछ गलत है। नाइकी में एंटर करने के लिए तो लाइन लगी हुई है। नाइकी वालों ने ऐसे जूते लगाए कि दिख ही नहीं रहे हैं, मतलब शूज दिखे तो सही मुझे ऐसे ढंग से। और शायद इसमें ना साइज भी वही वही है जो इसमें एक है, या नहीं शायद, पर कोई बताने वाला तो है नहीं। हम एकदम कूल दुकान में आ चुके हैं, एकदम कूल चीजें मिल रही है, तुम्हें तो ऐसे दिख भी नहीं रहा होगा। क्या कर रही है तू, तुझे लेनी है तो ले। अरे ऐसी रखते ना, ऐसे कहीं अटका दे इधर उधर। हाँ बस शाबाश हो गया, वही अलग ही रूल फॉलो करती रहती है। ये लूंगा मैं बॉस का, इसी में चाय वाय पीऊंगा मैं तो। वही एडिडास वाले या पहन के देख रहे हो, सही लगेंगे तो कंफर्म खरीद लें, उठा लेंगे यहाँ से जूते। ऐसी भी क्या बात है गाइस, कमेंट करो नीचे कि क्या मुझे ये लेने चाहिए। भागते क्या बढ़िया भाग रहा हूँ मैं इसमें। पूरी कैश में पेमेंट करके मैंने अपने जूते उठा लिए हैं। एक एक नोट ऐसे 20 मिनट तक देखा, उसके बाद $100 का नोट पकड़ाया मैंने उसे भाई। $10 का नोट तो $20 और $5 के बीच में घुसा रहा है, उसमें तो टाइम लग रहा, सब लाइन में वेट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैंने $100 का नोट उसके मुंह पे मारा, जूते लिए और मैं आ गया। मैं कहा कीप द चेंज। हाँ तो अबे यार ये टैक्स नहीं लगाते यार, $80 के जूते हैं, उसमें 87.9 कुछ के जूते पड़े मेरे को, ऐसे थोड़ी होता है। पहले पूरा बताओ ना मुझे कितने के पड़ेंगे यार, नहीं तो पूरा हिसाब लगाता है। इनके में ऐसा सिस्टम नहीं होता, इनके में टैक्स अलग लगाते हैं बाद में। या आई डोंट केयर यू नो, पैसा हाथ की मैल है भाई, पैसे उड़ाओ खर्च करो जिंदगी एंजॉय। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, मॉल में थैला लेके जा रहे हैं, नए जूते ले लिए मैंने, मजा आ गया मुझे जिंदगी में। नए शूज आ चुके हैं मेरे, लेकिन हम अदिति के घर पे आ गए क्योंकि अभी टाइम है उस जगह पे जाने के लिए, अपना बाजार, मेरी बस में भी टाइम है। तो हम यहाँ बैग लेने आए क्योंकि यही कन्वीनियंट था रास्ते के हिसाब से, ट्रैवल भी देखना पड़ता है यार। मैं ये बैग ले जाऊंगा, इसमें अपना सारा सामान डाल के, वरना तो देखो इतने थैले उठा के लेके जाने थोड़ी मुश्किल तो रहेंगे। कैसे ना कैसे अदिति ने पार्क कर ही दिया, गोलगप्पे खाऊंगा मैं वहां जाके पहले, फिर करी जाएगी कोई शॉपिंग। जल्दी जल्दी भाई 30 सेकंड में खत्म। पहले सेक्शन से शुरू करना चाहिए मुझे, कुछ ऐसा मिस नहीं होना चाहिए यार, बाद में कहीं मुझे रियलाइज हो। देखिए ले लेता हूँ, जैसे मैं एक मैगी ले लूँ, मेरे हिसाब से इतनी काफी रहेंगी। मैंने अपने पराठे तो भर लिए हैं, एक में 16 है, मैंने तो भाई बहुत सारे भर लिए हैं। फिर भी एक महीना चल रहा है। रोज एक नहीं, एक बार में दो खाता हूँ ना मैं, 15 दिन चल जाएगा। ठीक है तेरे ही जान खाऊंगा, दोबारा खत्म हो गया खाना। नहीं 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 अब मैं वापस आऊंगा, अब तो आऊंगा वापस भाई। मैंने एक एक कम कर दिया क्योंकि ये कह रही है बहुत ज्यादा हो जाएगा सामान, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ये तो, ये तो लेना ही पड़ेगा ना, ये लेना पड़ेगा। एक और डाल देते हैं यार, ऐसी क्या बात है, चलो ये लूंगा मैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक में 15 है तो गोभी उठा लूं क्या, दो किलो पनीर तो सच चलेगा ही मेरा यार, 2 किलो से कम क्या लूंगा। पनीर तो वहाँ भी मिल जाता है यार वैसे, तो एक ही ले लेता हूँ अभी के लिए। ये चाय ले आई, ये पागल हमारे लिए मुझे लग रहा है मैंने ये रेडी टू ईट वाला सामान कम लिया है, चिप्स ज्यादा भर लिए हैं। पता नहीं ये सब कैसे जाने वाला है घर, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये आ जाएगा बैग में, बहुत ही भारी हो जाएगा बैग है ना। अब घी भी लेना है, मैंने $212 की शॉपिंग कर लिया, मस्त एकदम मजा आ गया मुझे। हमारे पास ये बैग है, टाइम बता क्या हुआ है, और ये सब कुछ इसमें डालना है। एक बैग भर चुका है, इसमें 3 थैले आ गए हैं, 2 थैले और बचे हैं और एक जूते का थैला। तू एक काम कर, सीधा सैन फ्रांसिस्को तक का देख कितना आ रहा है टाइम, मुझे लग रहा है वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अरे गाइस कोई बचपन का दोस्त काम नहीं आता है, ये सब अफवाहें हैं, किसी की बात मत मानना। अबे पता है यही सब पल होते हैं जिसमें भगवान तुम्हारा इम्तिहान लेता है कि तुम्हें वो हेवन में भेजेगा या फिर नर्क में भेजेगा। वो तो मेरे लिए तो बहुत देर हो चुकी है। अब कहाँ जा रहे हैं फाइनल, बस तो तू अभी HQ नहीं जा रहे सीधा, मतलब सैन फ्रांसिस्को। अच्छा तो एक काम ऐसा भी कर सकते, देख 40 मिनट लगेंगे, मैं चलाता हूँ तू वापस ले आइयो। तो तूने तो एक ही बार 40 मिनट गाड़ी चलाई ना, पेट्रोल भी भरवाना पड़ेगा यार, वो उसमें क्या दिक्कत है यार, पेट्रोल तो एनीवे भरना ही होगा कभी ना कभी करना यार ये। देख $10 तो मेरे भी जा रहे हैं, मैंने देखो वापसी की अपनी बस कराई थी तो $10 तो मेरे भी जा रहे हैं,
कुछ थोड़ा सा तू कॉम्प्रोमाइज कर रही है, थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ। देख बोथ साइड्स है। मैं आगे से बुला नहीं छोड़ दूंगी तुझे। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आदमी की अपनी इच्छा होती है कुछ कुछ। कोई जबरदस्ती थोड़ी है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ नहीं भाई मुझे छोड़ी छोड़ छोड़ी छोड़। हाँ तो बिल्कुल तेरे ऊपर है, दुनिया देख रही है और ढाई लाख लोग देख रहे हैं तुझे अभी इस टाइम पे। देख लो, या ऐसा कर सकते हैं, देख तेरे घर से अपोलो को उठाते हैं, तू मेरे घर चल। फिर कैसे छूटूंगा मैं? नहीं लग रहा क्या ये बैग वाला हिसाब हो पाए? नहीं हो तो जाए, वो तो कर लूंगा मैं। वो तो फिर अब आदमी को छोड़ दोगे तुम ऐसे मझधार में बीच में सड़क पे, तो कैसे ना कैसे पहुंच ही जाएगा वो घर। इसमें कोई बात थोड़ी ना है कहने की। पुअर प्लानिंग क्या है अभी? थोड़ा सा सामान ही तो ज्यादा क्या हो गया, उठा लूंगा मैं सामान लेके घर चले जाऊंगा। पहले बस से वहां तक जाऊंगा, दो स्टॉप आएंगे, बीच में उतरूंगा रात को 10 बजे पता नहीं कहाँ पे, कौन सी अनजान सड़क पे, वहां से उबर करूंगा वापस से 3 थैले एक्स्ट्रा उठा के बैग उठा के जाऊंगा। कर सकता हूँ मैं ऐसा? थोड़ी मैं नहीं कर सकता, कोई जबरदस्ती नहीं है। थोड़ी आवाज कम कर यार, कॉपीराइट आ जाता है ना, तो समझ नहीं रही। इसमें साइलेंस भी रिकॉर्ड होना चाहिए, लोगों को रॉ पहुंचनी चाहिए ये बात। अबे इतने 2.5 लाख लोग देख रहे हैं, उनको पता चलना चाहिए क्या हो रहा है। 2.5 लाख व्यू आते हैं तेरे व्लॉग पे? अबे उन्होंने सब्सक्राइब किया है भाई, वो कंटेंट देखना चाहते हैं क्या होता है वो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़ा आदमी बन ऐसा नहीं होना चाहिए, बड़ा आदमी बन गया तो लाइफ नहीं दिखा रहा। चलते बस 3 ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन तो मुझे बस स्टॉप छोड़ दे, ठीक है। पहला ऑप्शन ये तो मुझे बस स्टॉप छोड़ दे। दूसरा वाला ऑप्शन तो हटा देना, क्योंकि बीच में अगर किसी भी रीजन से किसी ने भी रोक लिया, कौन रोकेगा? पुलिस वाला कि मैं गाड़ी चलाऊं? तो मैं तो अलाउड चलाने के लिए। क्यों? मेरे पास तो वो है ना इंडियन लाइसेंस, में 6 महीने तक यहाँ गाड़ी चला सकता हूँ दीदी, ये तो पॉसिबल है ना। फर्स्ट ऑप्शन है बस स्टॉप छोड़ दे तू मुझे, देख उसमें कुछ नहीं है, बस स्टॉप छूट जाऊंगा अपना, फिर जैसे तैसे पहुंच जाऊंगा घर में, और क्या एक मैसेज भेज दूंगा रीड। दूसरा ऑप्शन है देख कि मैं गाड़ी चलाता हूँ एक साइड की, तू फिर वापस आ जा गाड़ी चला के। फिर ऑप्शन ये है कि तू गाड़ी चला के चल सीधा अपोलो को उठा के, तू वहीं रुक जा अपना आराम से। नहीं रुकना यार, मेरे को काम है कलीश। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, तू तो जल्दी उठ जाती है, लेकिन नहीं उठती क्या? हाँ तो मैं जल्दी उठ करके दफा हूँ वहाँ पे, इससे अच्छा मैं आज ही वापस आ जाऊँगा ना। वो दूसरा ऑप्शन तो वही है। नहीं अब देखो, अब तेरे ऊपर है, देख अब मैं कुछ नहीं बोल रहा, तेरे को बस स्टॉप छोड़ देते हैं फिर। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, तेरे ऊपर है अब देख। ये कैसी गिल्ट ट्रिप कर रहा है भाई? मैं तो कुछ कह नहीं रहा, मैं तो बस कंटेंट निकाल रहा हूँ अपना आज का। बाकी तो तू देख ले, 2.5 लाख लोग देख रहे हैं भाई। कमेंट करो, तुम बताओ कि कैसा क्या होना चाहिए ऐसे में। बस तो अभी जाना, तो देख थाली खा लेते तब तक फिर। मैं कह रही हूँ मैं अपना 1.5 घंटा नहीं वेस्ट करना चाह रही कि मैं छू करके सैन फ्रांसिस्को वापस। नहीं तो छू के मतलब फिर घूमेंगे, बीच में अपने कुत्ते को उठाना पड़ेगा। कहाँ घूमेगा तू? सब बंद है, आज मंडे है और मेरा कल ऑफिस है। जो भी वीकडे है और मेरा कल ऑफिस है, ये तो है। देख ले, चल सोच ले, कोई बात नहीं। बस स्टॉप चलो फिर, बस स्टॉप छोड़ दो और क्या, और तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ चलो, तो सैड क्यों हो गए गाने बजाने? नहीं मैं सैड हुई नहीं, मैं सैड क्यों हूँ? सैड होने की कोई बात ही नहीं है, मर्द रोते थोड़ी है। जब तक बस आती है तब तक के लिए मैं जुगाड़ करता हूँ, क्योंकि 2 थैले और 1 ही शूज वाला है। मैं जुगाड़ करके 1 थैला कम करता हूँ। चलो मैं बैठ गया अपनी दूसरी बस में भी, अब सीधा सैन फ्रांसिस्को में मिलूंगा। एक बैग बना दिया मैंने, इनकी डिक्की में डाल दिया, और एक ये थैला है, बस 2 हो गया। अब भाई सैन फ्रांसिस्को तो पहुंच गया हूं मैं, अब अपनी ऊबर का इंतजार कर रहा हूं। बहुत ही भारी बैग हो गया भाई, बहुत ही भारी हो गया सामान तो।